कोरोना से परेशान हाल आवाम पर एक और बम फोड़ दिया गया। तब्दीली सरकार ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों को दवाइयां मजीद महंगी करने की इजाजत दे दी। विफाकी हुकूमत ने अदविया साज कंपनियों को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत अदवियात महंगी करने की इजाजत दे दी। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक अदविया साज कंपनियों और इम्पोर्टर्स को बुनियादी अदवियात की कीमतों में 7% जबकि दीगर अदवियात की कीमतों में 10% इजाफे की इजाजत दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ड्राफ्ट ने विफाकी हुकूमत और ड्राफ्ट की पॉलिसी बोर्ड की मंजूरी और सिफारिश पर ड्राग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 में तरमीम कर दी, जिसके बाद वजारत कौमी सेहत हर साल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत अदवियात की कीमतों में इजाफा करेगी। दूसरी तरफ शहरियों ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि फैसला सरासर जुल्म और गरीबों से इलाज का हक छीनने के मुतरादिफ है, क्योंकि अद्वियात की कीमतें पहले ही बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि ये अवाम कुछ फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए। गुज़िश्ता साल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक बुनियादी अद्वियात की कीमतों में 5.14% जबकि दीगर तमाम अद्वियात की कीमतों में 7.34% इजाफे की इजाजत दी गयी थी।